जगह गुरुग्राम का सेक्टर 10। समय करवा चौथ की रात करीब 2 बजे। पत्नी पर एएसआई पति के कत्ल का आरोप। ये खौफनाक कहानी सामने आई है गुरुग्राम के शिकोपुर गांव से आने वाले राजबीर के परिवार की। राजबीर हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे, मगर करवा चौथ की रात 3 गोलियां मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। राजबीर के भाई महावीर ने राजबीर की पत्नी और उसके बेटे पर ही अपने भाई के कत्ल का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो राजबीर के परिवार में कई दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और वो लगभग 2 महीनों से घर नहीं आ रहे थे। करवा चौथ की रात वो घर आए थे और उसी दिन गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गोलीबारी की इस घटना में एक गोली राजबीर की पत्नी के हाथ में लगी है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उसने राजबीर को मारने के बाद जानबूझकर खुद को गोली मारी है ताकि वो खुद को कानून के शिकंजे से बचा सके। गुरुग्राम पुलिस ने राजबीर के बेटे यश से एक बैग भी बरामद किया है, जिसमें उसकी मां के गहने, 4.5 लाख रुपए कैश और उसके पिता राजबीर के कुछ कागजात बरामद हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि देर रात पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ और फिर लगभग 2 बजे गोली चल गई। पूरे मामले को लेकर राजबीर के भाई और गुरुग्राम के एसीपी का क्या कहना है, अंत में वो सुन लीजिए। उसकी सूचना आज से नहीं, 3 महीने 4 से उसके पीछे साजिश लगी हुई थी उसको मारने के लिए। वो कुछ टाइम उसने पहले ही बताया था, भाई मारेंगे मेरे को। हमने 20 दिन वो गाँव में रखा। उसके बाद बोले मैंने नौकरी में जाना है, ड्यूटी में जाना, भाई मैं वहाँ चला जाऊँ। ठीक है भाई, वहाँ चले जा। फिर उसका फोन आ रहा, भाई ये हथियार लिया है लड़का। हथियार कहाँ से लिया है? बोले ये कहीं से लिया है, पैसे इनके पास और मेरी पूरी मारने की साजिश है। परसों ही वो घर आया, कल के बरत थे करवा चौथ के, पुत्र वधू बुलाई, वो भी ताड़ दी और इसको निपटा दिया रात में। आपकी लास्ट कब बात हुई थी अपने भाई से? मारे बड़े भाई कल शाम नहीं बात हुई, सिस्टर की मेरे की कल आधा एक दो बार तीन घंटे बोल भाई मैं लगातार फ़ोन कर रही हूँ, लड़ाई हो रही है उनकी वहाँ। अरे भाई लड़ाई हो रही है उनकी वहाँ, कल भी बात हुई है। आपने शिकायत दर्ज कराई तो क्या कराई? हमने शिकायत दर्ज मैडम आज नहीं कराई थी, हमने इसने एक कांड और कर दिया था, सिस्टर की बेटे की बहू को लेकर भाग गया था शादी होने के बाद। हमने बिलासपुर इसकी FIR करा रखी है। अभी क्या शिकायत दी? उसके बाद भाई ने, छोटे ने ये घर से निलंबित कर दिया था, बोल मेरा इससे कोई मैटर नहीं है, इनके मारे पास रिपोर्ट है, सब कुछ कर दिया। उसके बाद इसने अपने फादर से कही तू मेरे को घर से बेदखल कर रहा है, बोल कर दिया उसने, ऐसे नहीं किया, पूरा परिवार बुलाक है भाई, ये उसके पीछे लग रहा नहीं छोड़ रहा, ब्याही ओड को छोड़ रहा है, दूसरी को पकड़ के ले जा रहा है, उसने बेदखल कर दिया। उस दिन चैलेंज कर दिया था, बोल मैं आपको गोली से उड़ाऊँगा और उस लड़के को भी उड़ाऊँगा और जो इमाती है तेरे उनको भी उड़ाऊँगा। आपने शिकायत यहाँ क्या दर्ज कराई है थाने में, उसके बारे में बताइए। हमारी शिकायत नहीं ले रहे हैं जी, नहीं कोई दर्ज नहीं कराई है, कह रहे हम अपने बेस पे करेंगे, हम कह रहे हमारे बेस पे करो, अभी कोई शिकायत नहीं ली गई। हम सुबह मेरी SHO साहब से भी हो ली और अब ACP साहब आ रहे हैं, उनसे भी हो रही है। ठीक है जी, सुबह 6 बजे से हम परेशान हैं। आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सेक्टर 10 के एरिया में गोली चलने की वारदात हुई है, फिर मौके पर पुलिस पहुंची तो पता लगा कि ASI राजबीर जो हमारे पुलिस में पोस्टेड है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उनकी हत्या, उनकी डेथ हुई आज। कल उनके पति पत्नी आपस में विवाद चल रहा था काफ़ी दिनों से, उसके दौरान उनमें हाथापाई हुई और फायरिंग भी हुई है, जिसमें उनकी पत्नी के में भी फायरिंग की इंजरी हुई है और राजबीर जी के हेड में 3 बुलेट इंजरीज थी जिनका उनकी मौत हुई। मौके पे हमने फोरेंसिक टीम को बुलाया था, तो मौके से हमें जो वेपन है वो भी रिकवर हुआ है, प्लस जो कार्टेज खोल है वो वेपन रिकवर हुआ है। सर क्या अभी हम FIR दर्ज कर रहे हैं अंडर सेक्शन 302, बाकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। परिवार वाले जो उनकी पत्नी है और उनका बेटा है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मिलकर एक योजना बन से अपने भाई की हत्या की है, अभी हम इसके अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।